सिविल सर्विस सेंटर में जैसे हमने देखा कि एक ऑपरेशन थिएटर है, आगे हम चलते हैं। ये जो सिमुलेशन सेंटर है यहाँ पे आप सारी चीजें देख सकते हैं। एंडोस्कोपी किट भी है यहाँ पे, सारे कॉन्फ्रेंस होता है। जब भी कोई भी सर्जन को रिक्वायरमेंट है तो बड़े डिवीजन पे उसको आप जूम इन करके देख सकते हैं। यहाँ पे किस तरीके से आप एंडोस्कोपी कर सकते हो, ये सारे इंस्ट्रूमेंट रखे हुए वन बाई वन आप सारे के सारे यूज कर सकते हो। सीखना है वो आपके लिए आसान बन जाता है, स्टूडेंट्स के लिए इंटरेस्टिंग भी बन जाता है। ये जो टेबल की हम बात कर रहे थे, इसमें पूरा बॉडी का इंट्रैक्शन बताया जाता है 3D में। फिर आप सिस्टम टू सिस्टम भी इसको एनालाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको सिर्फ कार्डियोलॉजी का एनाटॉमी सीखना है या GI का एनाटॉमी सीखना है, ऑप्थाल्मोलॉजी का अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं। शुरू करा देगा ये जो ओवर है, ये एंडोस्कोपी का आप ऑपरेशन कर सकते हैं। जैसे किस तरह से आपको होल्ड करना है, आपके टीचर आपको सारी चीजें समझाएंगे। किस तरीके से आपको इसको पकड़ना होता है, सबसे चीज यही होती है पूरा सिस्टम आप देख सकते हैं। फोन कर लेगा एक यहाँ पे, सारी चीजें कनेक्टेड होती है। और यहाँ पे आपका एग्जाम भी होगा, ऐसा नहीं होगा यहाँ पे आप सीखोगे। और इस सिमुलेशन सेंटर में फर्स्ट ईयर से लेकर लास्ट ईयर के सभी स्टूडेंट सीखने के लिए आते हैं। डॉक्टर लोगों का भी एग्जाम यही होता है, लोगों का भी एग्जाम यही होता है। और सबसे बड़ी खूबसूरती यहाँ का इंटीरियर भी आप देखोगे तो अच्छा है कि हाइजीन और नीट एंट्री में, तो आपको यहाँ पर स्पेन स्पेन करना अच्छा लगेगा। यहाँ पर आप सारी चीज़ें देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कौन से रूम में क्या हो रहा है, तो टीचर आपको मॉनिटर कर सकता है कि आपके एग्जाम में आपने किसी से पूछा नहीं, कोई चीटिंग नहीं किया, वो सारी चीज़ें। और सिक्योरिटी पर्पज़ से ये बहुत ज़रूरी है।